शैतान का किला है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मूवीज क्वीन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साउथ की टॉप 8 बेस्ट सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर पॉप बनी फिल्में, जो एक से बढ़कर एक और आपको एंड तक इंगेज पक्का रखती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी अच्छी मूवी को मिस ना कर दे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि लेटेस्ट आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस काउंटडाउन। नंबर 8 फरवरी 2021 में रिलीज मलयालम लैंग्वेज के एक पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी वन, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग और 86% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मूवी में लीड रोल पर नजर आएंगे मामूती सर। दोस्तों बात कीजिए स्टोरी की, तो स्टोरी बेस्ड है केरल के सीएम कोडाकल चंद्रन पर, जो करप्ट मिनिस्टर्स के खिलाफ राइट टू कॉल टूल लेकर जनता का भला करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उन पर काफी गलत एलिगेशंस लगाए जाते हैं और वे कानून के चक्कर में फंस जाते हैं। तो सर मूवी बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग है और पॉलिटिक्स को काफी बेहतर तरीके से समझाती है। अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर 7 पर है 2021 में रिलीज तेलुगु लैंग्वेज के एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म रेड, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग और 71% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मूवी में लीडर भाती नजर आएंगे राम पोथीनानी, मालविका शर्मा, निवेदा पैथुराज और वेनेला किशोर के साथ साथ और भी कई स्टार्स। दोस्तों बात की जाए स्टोरी की, तो स्टोरी बेस्ड है दो जुड़वा भाइयों पर, जिसमें से एक ने किसी का मर्डर कर दिया था। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस को उस मर्डरर को पकड़ना होता है, क्योंकि पुलिस मर्डर केस में इतनी बुरी तरह से उलझ जाती है कि उनके लिए कातिल को पकड़ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों आखिर असली मर्डरर कौन है, क्या पुलिस उस मर्डरर को पकड़ पाएगी, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी में भरपूर मिस्ट्री और सस्पेंस है। अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर 6 पर है 2021 में रिलीज तेलुगु लैंग्वेज के एक सस्पेंस साइबर क्राइम थ्रिलर मूवी नेट, जिसके आईएमडीबी रेटिंग तो स्पेसिफाइड नहीं है लेकिन 79% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मूवी में लीड रोल भाते नजर आएंगे अविका गौर, राहुल रामाकृष्णन के साथ साथ और भी के स्टार्स। दोस्तों बात की जाए स्टोरी की, तो स्टोरी बेस्ड है लक्ष्मण पर, जो इलीगली एक युवा कपल प्रिया और रंजीत की पर्सनल लाइफ को लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। तो दोस्तों आखिर लक्ष्मण ऐसा क्यों करता है, उसके इस घिनौने काम का क्या रिजल्ट निकलता है, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। दोस्तों मूवी सच में अच्छी और देखने लायक है और एक मैसेज गिविंग मूवी है। अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर 5 पर है 2021 में रिलीज मलयालम लैंग्वेज के क्राइम थ्रिलर मूवी जोजी, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग और 89% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मूवी में लीड रोल में नजर आएंगे फाहद फासिल, उनिमाया प्रसाद, दिलेश पोथन के साथ साथ और भी के स्टार्स। दोस्तों बात की जाए स्टोरी की, तो स्टोरी बेस्ड है जोजी पर, जो एक इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट स्टूडेंट है और अमीर बनने का सपना देखता है लेकिन बिना अपनी फैमिली के सपोर्ट के। दोस्तों आगे कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी फैमिली के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है। दोस्तों आखिर उसके फैमिली के साथ ऐसा क्या हुआ था, आगे कौन से ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। दोस्तों इस मूवी का एंड आपके होश उड़ा देगा। अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर 4 पर है 2012 में रिलीज तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थंडरबम, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग और 89% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मूवी में लीड रोल में नजर आएंगे विक्रम, अनुष्का शेट्टी, एमी जैक्सन, जगपति बाबू के साथ साथ और भी के स्टार्स। दोस्तों बात की जाए स्टोरी की, तो स्टोरी बेस्ड एक ब्लाइंड आदमी कैनी पर, जो एक रिवेंज प्लान बनाता है उन लोगों के खिलाफ जो लोग लंदन में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के जिम्मेदार थे। तो दोस्तों आगे क्या होगा उसके प्लान का, कैनी की रियल आइडेंटिटी क्या है, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी काफी अच्छी और इंगेजिंग है। अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर 3 पर है 2021 में रिलीज तेलुगु लैंग्वेज के एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी पावर प्ले, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग और 73% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है।
मूवी में लीडर बनते हुए नजर आएंगे राज तरुण, शामना काशिम, हेमल इंगले के साथ साथ और भी के स्टार्स। दोस्तों बात कीजिए स्टोरी की, तो स्टोरी बेस्ड है विजय पर, जो अपनी फैमिली और गर्लफ्रेंड के साथ हैप्पीली जी रहा होता है। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे एक फेक मनी ट्रांजेक्शन के मामले में जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आखिर विजय को किसने फंसाया, रियल मिस्ट्री क्या है, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी सच में देखने लायक है। अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो उस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर दो पर है 2019 में रिलीज मलयालम लैंग्वेज की एक हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी अथिरन, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग और 88% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मूवी में लीडर भाते नजर आएंगे फाहद फासिल, साई पल्लवी, अतुल कुलकर्णी और प्रकाश राज के साथ साथ और भी के स्टार्स। दोस्तों बात की जाए स्टोरी की, तो स्टोरी एक मेंटल असाइलम के इर्द गिर्द घूमती है, जहां नित्या उस असाइलम में रहने वाली एक मिस्टीरियस पेशेंट होती है। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कर्णन नायर नाम का एक डॉक्टर इंस्पेक्शन के लिए वहां आता है। तो दोस्तों आखिर वहां ऐसा क्या होता है और नित्या की रियल मिस्ट्री क्या, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है, जिसमें आपको हॉरर एलिमेंट्स भी दिखाए गए हैं। अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर एक पर है 2019 में रिलीज तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी राना रंगम, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग और 93% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मूवी में लीड रोल बातें नजर आएंगे शर्वानंद, कल्याणी प्रियदर्शन, काजल अग्रवाल के साथ साथ और भी के स्टार्स। दोस्तों बात की जाए स्टोरी की, तो स्टोरी बेस्ड है देवानंद पर, जो एक पावरफुल गैंगस्टर होता है और दिल का काफी अच्छा इंसान होता है। लेकिन उसे बहुत सारे दुश्मन भी बन जाते हैं और वह उसे पीछा छुड़ाने के लिए और अतीत को भुलाने के लिए स्पेन चला जाता है, लेकिन उसके दुश्मन वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो दोस्तों आगे इस मूवी में कौन से ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है, जिसमें आपको भरपूर मिस्ट्री और थ्रिल देखने को मिलेगा। अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो उस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूले। और अगर आपने इनमें से कोई मूवी देख रखी है तो अपना रिव्यू शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।